हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन मित्रा हिंदी में। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एसटीआर पावर सप्लाई के सभी वोल्टेज के डिटेल्स, एसटीआर पावर सप्लाई की टेस्टिंग, एसटीआर पावर सप्लाई में कहां पर कितने वोल्टेज मिलते हैं और इसको किस तरह से चेक करते हैं, किस तरह से रिपेयर करते हैं और किस तरह से इसके सारे वोल्टेज की टेस्टिंग करते हैं। और आज की इस वीडियो में जो हम एसटीआर के बारे में बता रहे हैं उसका नंबर है 0765। तो ये एसटीआर 5 पिन का एक एसटीआर है। एसटीआर पावर सप्लाई में और कौन कौन से कंपोनेंट्स ख़राब होते हैं, इन सभी के बारे में पूरी डिटेल इस वीडियो में आप देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले दोस्तों, हम वोल्टेज डिटेल्स देख लेते हैं एसटीआर पावर सप्लाई में। जब एसटीआर रनिंग कंडीशन में होता है, एसटीआर सही काम कर रहा होता है, यानी कि आउटपुट सप्लाई हमारा सही बन रहा होता है, तो एसटीआर पावर सप्लाई का जो प्राइमरी सेक्शन है उसके अंदर एसटीआर के पिनों पर कितने वोल्टेज होते हैं और अन्य जगह पे कितने वोल्टेज मिलते हैं, इसके बारे में हम पूरी डिटेल्स देखेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों, ये पावर सप्लाई का जो सेकेंडरी साइड है, यहाँ से 110 वोल्ट बन रहा है और इसके जो सभी सप्लाई लाइन है वो सही काम कर रहा है, यानी कि एसटीआर पूरी तरह से काम कर रहा है। तो इस समय कितने कितने वोल्टेज हमें प्राइमरी सेक्शन में मिलेंगे इसके बारे में आइए हम जानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे एसटीआर की पूरी वोल्टेज यहाँ पे हमको मिल रहा है। तो दोस्तों, एसटीआर जब सही काम कर रहा हो उस समय हमें प्राइमरी सेक्शन में जो फिल्टर कैपेसिटर है वहाँ पे दोस्तों 300 वोल्ट यहाँ पे डीसी मिलेंगे। तो आप देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पे 300 वोल्ट डीसी मिल रहा है और हमारा एसटीआर सही काम कर रहा है, उस समय का ये वोल्टेज डिटेल्स है। और दोस्तों, यहाँ पर अगर 300 वोल्ट डीसी नहीं पहुँच रहा है तो हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे एसी इनपुट हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमारा फ्यूज़ वगैरह सही है कि नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ये एसी इनपुट का लाइन है, यहाँ पे लाइन फिल्टर लगा हुआ है और इसके आगे यहाँ से एक एनटीसी लगा हुआ है, फिर यहाँ पर 4 डायोड लगे हैं जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो इतना हमारा सर्किट है दोस्तों। यहाँ से दोस्तों अगर कोई भी कंपोनेंट्स ख़राब हो तो 300 वोल्ट डीसी फिल्टर कैपेसिटर तक नहीं पहुँच पाएगा, अगर एसी लाइन में कहीं फॉल्ट हो या कोई पार्ट्स यहाँ से ख़राब हो तो एसी आगे पहुँचेगा नहीं, तो फिर डीसी कैसे बनेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे एसी इनपुट लाइन को हम चेक कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पर फिल्टर कैपेसिटर पर आपको 300 वोल्ट डीसी मिलेगा। इसके बाद दोस्तों, यहाँ फिल्टर कैपेसिटर से ये यहाँ पे जंपर लगा हुआ है और ये एसएमपीएस ट्रांसफार्मर पे चला जाता है और इसकी दूसरी वाइंडिंग से दोस्तों यहाँ से ये एसटीआर के पिन नंबर 1 पे पहुँच जाता है, जो इस एसटीआर का ड्रेन पिन है। दोस्तों, दरअसल एसटीआर के अंदर एक मॉस्फेट लगा रहता है और इसके अंदर इंटरनल सर्किट लगा होता है, तो ये इस मॉस्फेट का ड्रेन पिन है और इसका 2 नंबर पिन दोस्तों ये ग्राउंड है। दोस्तों, इसके 1 नंबर पिन पर जब टीवी ऑन कंडीशन में रहेगा, यानी कि एसटीआर से पावर सप्लाई आउटपुट बन रहा होगा, तो इसके 1 नंबर पिन पे आपको वोल्टेज नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज फास्ट तरीके से स्विचिंग होता रहता है, तो यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिलेगा। और इसके पिन नंबर 3 पर दोस्तों यहाँ पर 18 वोल्ट तक मिलेगा, 14 वोल्ट से 18 वोल्ट तक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जब ये ऑन कंडीशन में रहेगा। और पिन नंबर 4 पे दोस्तों 0.3 वोल्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और इसके पिन नंबर 5 पे 0.9 वोल्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इस एसटीआर का पिन नंबर 1 ड्रेन पिन है, पिन नंबर 2 ग्राउंड है और इसका पिन नंबर 3 VCC पिन है, जहाँ पर 14 से 18 वोल्ट सप्लाई आपको मिलेगा। इस एसटीआर के जो इंटरनल सर्किट है, इसके अंदर में जो भी सर्किट है एसटीआर के अंदर, उसको काम करने के लिए यहाँ पे 14 से 18 वोल्ट सप्लाई मिलना चाहिए। अगर यहाँ पिन नंबर 3 VCC पे सप्लाई नहीं मिलेगा, 14 से 18 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो एसटीआर से पावर सप्लाई आउटपुट नहीं होगा, एसटीआर स्विचिंग स्टार्ट ही नहीं करेगा।
तो आपका पावर सप्लाई आउटपुट नहीं बनेगा। तो ये वोल्टेज बहुत इम्पोर्टेंट वोल्टेज है और इस एसटीआर का पिन नंबर 4 फीडबैक का पिन है। यहाँ पे पिन नंबर 4 पर ऑटो कपलर से इसको फीडबैक सिग्नल मिलता है। अगर आउटपुट सप्लाई सही काम कर रहा हो तो यहाँ से 110 वोल्ट की लाइन से ये सेंस करके ऑटो कपलर के ज़रिए ये पिन नंबर 4 पर पहुँचाता है कि आगे हमें आउटपुट में कितना करंट चाहिए, कितना वोल्टेज चाहिए, उस हिसाब से ये वोल्टेज को स्टेबल रखता है। और यहाँ पे पिन नंबर 5 सिंक पिन है। इस एसटीआर का इंटरनल जो सर्किट है उसको काम करने के लिए यहाँ पे 18 वोल्ट सप्लाई मिलना चाहिए। तो इसको ये स्टार्टिंग जो सिग्नल है, स्टार्टिंग वोल्टेज इसको यहाँ से मिलता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो यहाँ एसी वोल्टेज से सीधा है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा के उसके बाद यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है और उसके बाद ये वोल्टेज को फिल्टर करके ये पहुँच जा रहा है पिन नंबर 3 पर। यहाँ पे आपको वोल्टेज मिल रहे होंगे। तो ये इसको जब स्टार्ट करने के लिए, एसटीआर को स्टार्टिंग सिग्नल देने के लिए यहाँ से स्टार्टिंग वोल्टेज मिलते हैं। और जैसे ही इस एसटीआर से आउटपुट सप्लाई मिलता है तो इसके जो एसएमपीएस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है, तो इस वाइंडिंग से ये जो पहली वाइंडिंग है यहाँ से फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और उसके बाद यहाँ पे एक रेक्टिफायर डायोड लगा हुआ है। तो यहाँ से इसको VCC वोल्ट मिलता है और यहाँ पे एक फिल्टर कैपेसिटर लग के इस वोल्टेज को फिल्टर कर दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पे दो रेजिस्टेंस लगे हैं, 1K 1K के दो सीरीज में लगे हुए हैं। तो इससे जो वोल्टेज है उसको यहाँ पे ड्रॉप करके तो यहाँ पे 36 वोल्ट DC मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे 1K का दो सीरीज में रेजिस्टेंस लगा के और उसके बाद इस VCC पिन के लाइन पे यहाँ पे दो यहाँ पे जीनर डायोड लगे हैं, 9 वोल्ट के दो सीरीज में लगे हैं, यानी कि 18 वोल्ट का यहाँ पे सीरीज में लगा के 18 वोल्ट का यहाँ पे जीनर बनाया गया है, जीनर डायोड। तो ये 18 वोल्ट यहाँ पे ग्राउंड किया गया है, तो 18 वोल्ट से यहाँ पे ज़्यादा सप्लाई ना मिले इसलिए यहाँ पे 18 वोल्ट का जीनर ग्राउंड कर दिया गया है। इसी तरह दोस्तों, ये स्टार्टिंग में इसको 18 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से मिलता है, AC से, AC लाइन से ये सप्लाई लेता है। और उसके बाद जैसे ये पावर सप्लाई काम करने लगता है तो इसको पिन नंबर 1 से जो वाइंडिंग से इसको AC वोल्ट मिलता है उसको रेक्टिफाई करके फिर ये फिल्टर करके दोस्तों ये पिन नंबर 3 पे पहुंचा देता है। फिर इस तरह से ये काम करता है दोस्तों। तो दोस्तों, अभी तक आपने जितने भी वोल्टेज देखे हैं वो ऑन कंडीशन में थे, यानी कि हमारा आउटपुट सप्लाई जब बन रहा था उस समय के ये वोल्टेज थे। और इसके बाद दोस्तों हम एसटीआर को बाहर निकाल देंगे, उसके बाद हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे। जब हमारा एसटीआर काम नहीं कर रहा हो या हमने एसटीआर को पीसीबी से बाहर निकाल दिया, तब यहाँ पे कितने वोल्टेज मिलते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, जब भी आपको आउटपुट में कोई वोल्टेज ना मिले तो आप आउटपुट के जो ट्रांजिस्टर है उसको शॉर्टिंग के लिए चेक कर लें और इसमें जो 110 वोल्ट का जो डायोड है उसको भी शॉर्टिंग के लिए चेक कर लें। अगर ये डायोड और ट्रांजिस्टर सही है तो आपको पावर सप्लाई में प्राइमरी सेक्शन में आपको सप्लाई चेक करना है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको फिल्टर कैपेसिटर पे 300 वोल्ट DC मिलना चाहिए। अगर यहाँ पे दोस्तों 300 वोल्ट DC नहीं मिल रहा है तो सबसे पहले दोस्तों आपको एसटीआर को बाहर निकाल देना है, पीसीबी से बाहर निकाल देना है और उसके बाद फिर से वोल्टेज चेक करना है। अगर 300 वोल्ट DC नहीं मिल रहा है फिल्टर कैपेसिटर पे तो आपको यहाँ पे AC इनपुट वोल्टेज चेक कर लेना है। यहाँ पे 220 वोल्ट AC मिलेगा और इसके बाद दोस्तों इस पीसीबी में यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, स्विच के ज़रिए दोस्तों ये इसका AC सप्लाई आगे बढ़ रहा है। और अगर इसका फ्यूज़ उड़ गया हो तो आप फ्यूज़ को यहाँ पे रिप्लेस कर दें। और उसके बाद दोस्तों ये चला जाता है लाइन फिल्टर पर और लाइन फिल्टर के बाद दोस्तों ये चला जाएगा हमारा AC सप्लाई। अगर यहाँ पे दोस्तों लाइन फिल्टर से अगर वोल्टेज आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो आप यहाँ पे लाइन फिल्टर को ओपन के लिए चेक कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे NTC लगा हुआ है और NTC अगर ख़राब रहेगा तो भी आपका AC सप्लाई यहाँ तक आगे नहीं बढ़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो डायोड लगे हैं रेक्टिफायर के डायोड, उसके बाद यहाँ पे आपको
एसी से डीसी में ये कन्वर्ट कर देगा और फिल्टर कैपेसिटर पे यहाँ पे 300 वोल्ट डीसी मिलना चाहिए। और यहाँ पे अगर आपको 300 वोल्ट डीसी यहाँ तक पहुँच गए तो उसके बाद देखिए एसएमपीएस की ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग से होके यहाँ पे आपको पिन नंबर एक पे 300 वोल्ट डीसी मिलेंगे, क्योंकि हमने एसटीआर को बाहर निकाल दिया है तो पिन नंबर एक पे हमें 300 वोल्ट डीसी मिलेगा। और उसके बाद दोस्तों पिन नंबर दो यहाँ पे ग्राउंड रहता है तो यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं मिलेगा। और उसके बाद पिन नंबर तीन पे यहाँ पे वीसीसी पिन है तो यहाँ पे 18 वोल्ट डीसी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 18 वोल्ट का जीनर ग्राउंड है, 9-9 वोल्ट के दो जीनर यहाँ पे ग्राउंड है सीरीज में, 18 वोल्ट यहाँ पे बनाया गया है जीनर के जरिए। जीनर डायोड यहाँ 18 वोल्ट से अधिक वोल्टेज नहीं बनने देगा। और इसके अलावा पिन नंबर चार पे यहाँ पे आपको कोई भी वोल्टेज नहीं मिलेगा और पिन नंबर पाँच पे भी कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा, क्योंकि पिन नंबर चार जो है वो सिंक पिन है। तो सिंक वोल्टेज दोस्तों इसको यहाँ पे एसएमपीएस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग से मिलेगा, जब ये वोल्टेज आउटपुट कर रहेगा तभी यहाँ से इसका वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा। और पिन नंबर पाँच दोस्तों इसका फीडबैक पिन है, जो कि यहाँ ऑटो कपलर से इसको फीडबैक वोल्टेज मिलता है। अगर आउटपुट सप्लाई नहीं बन रहा हो तो दोस्तों फीडबैक वोल्टेज भी आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों जब भी आपका पावर सप्लाई काम नहीं कर रहा है तो एसटीआर को आप बाहर निकाल दें, तो यहाँ पे पिन नंबर एक पे 300 वोल्ट डीसी चेक करें और इसके पिन नंबर तीन पे 18 वोल्ट डीसी चेक करें। अगर इतना वोल्टेज बन रहा है दोस्तों तो आपको एसटीआर नया रिप्लेस कर देना है, आपका पावर सप्लाई ओके हो जाएगा। अगर यहाँ पे 18 वोल्ट डीसी नहीं पहुँच रहा है दोस्तों तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एसी लाइन से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और डायोड लग के ये चला गया है पिन नंबर तीन पे। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में वीसीसी यहीं से मिलेगा और उसके बाद जैसे ही आपका पावर सप्लाई ओके हो जाता है, आउटपुट बनता है, तो एसएमपीएस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग से आपको 18 वोल्ट डीसी सप्लाई मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों दो यहाँ पे जीनर डायोड ग्राउंड किए गए हैं 9-9 वोल्ट के और 18 वोल्ट यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और डायोड लग के यहाँ पे आपको वोल्टेज मिलेंगे। और उसके बाद यहाँ पे दो रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इसके बाद दोस्तों ये वोल्टेज आपका जब आउटपुट वोल्टेज बनेगा तो यहाँ से भी आपको वीसीसी कंटिन्यू मिलता रहेगा। तो दोस्तों ये दोनों लाइनें वीसीसी की लाइनें हैं तो इनको आपको चेक कर लेना है। और इसी लाइन से दोस्तों इसका सिंक वोल्टेज भी यहाँ से निकलता है जब ये ऑन कंडीशन में रहेगा। तो यहाँ पे भी एक डायोड लगा हुआ है और डायोड के बाद दोस्तों ये पहुँच जा रहा है पिन नंबर पाँच पर, जो कि ये इसका सिंक पिन है और यहीं से इसको वोल्टेज मिल रहा है। दोस्तों जब भी एसटीआर पावर सप्लाई में आपका आउटपुट वोल्टेज नहीं बन रहा हो तो आउटपुट ट्रांजिस्टर को आपको चेक कर लेना है शॉर्टिंग के लिए, और यहाँ पे 110 वोल्ट का जो डायोड है उसको चेक कर लेना है। अगर ये सही है दोस्तों तो आपको यहाँ पे वोल्टेज चेक कर लेना है। एसटीआर को दोस्तों आप बाहर निकाल देंगे और उसके बाद यहाँ पे पिन नंबर एक पर वोल्टेज चेक कर लेंगे 300 वोल्ट डीसी, और पिन नंबर तीन पर 18 वोल्ट डीसी चेक कर लेना है। अगर ये दोनों वोल्टेज मिल रहा है दोस्तों तो आपको यहाँ पे नया एसटीआर लगा देना है, आपका टीवी 100% चालू हो जाएगा, ऑन हो जाएगा आपका पावर सप्लाई। और अगर इसके बाद भी दोस्तों आपका पावर सप्लाई ऑन नहीं हो रहा है एसटीआर को चेंज करने के बाद और यहाँ पे वोल्टेज भी आपके सही बन रहे हैं तो आपको यहाँ पे दोस्तों कुछ कंपोनेंट्स को चेंज करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे दोस्तों जो जीनर डायोड लगे हैं यहाँ पे 3-4 जो भी डायोड लगे हैं उनको सीधे बदल देना है, क्योंकि दोस्तों ये लीकी हो जाते हैं तो ये मल्टीमीटर से सही दिखा रहे होते हैं लेकिन ये काम नहीं करते हैं, तो इसको आपको चेंज कर देना है। और यहाँ पे जो पीएफ लगे हैं कैपेसिटर, ये कहीं से फटे हुए हैं तो इसको भी आपको चेंज कर देना है। और यहाँ पे दो फिल्टर कैपेसिटर भी लगे हैं उसको भी आप चेंज कर देंगे। और यहाँ पे जो भी रेजिस्टेंस लगे हैं दोस्तों उसको आप एक बार चेक कर लेंगे। तो इतने कंपोनेंट्स अगर आप चेक कर लेंगे दोस्तों आपका पावर सप्लाई 100% बन जाएगा। दोस्तों आपका अगर एसटीआर लगाने के बाद दोस्तों पावर सप्लाई नहीं बनता है तो सिंपल सा आप ये जीनर डायोड और कैपेसिटर को चेंज कर दीजिए, आपका पावर सप्लाई 100% ओके हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।